मेरा परिचय दो लाइना तो देऊंगी आप सबने कि पहली तो मेरी जननी माई, दूजी गौ माता है, मेरी नजरा में सब तो बढ़ के मेरे पिता का नाता है। पहली तो मेरी जननी माई, दूजी गौ माता है, मेरी नजरा में सब तो बढ़ के मेरे पिता का नाता है। जमाई आपका सारा लागे है, खेदड़ से यू गांव मेरा, और हाथ जोड़ के कर रही सू भाई ले लो ना प्रणाम मेरा। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य गांव की सरपंच, मैं तो बाप भी कहूंगी क्योंकि मेरे गुआंड की है, सुनीता रानी, आदरणीय मास्टर जी धूप सिंह पीटीआई, जिनका बड़ा 13 महीने मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ किसान आंदोलन के अंदर, और बड़ा अच्छा लगता था जब हमारे काके ताऊ हमें आशीर्वाद देते थे, साथ देते थे। तो सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सरपंच प्रतिनिधि आदरणीय प्रदीप जी, आदरणीय प्रदीप शास्त्री जी राजली से मेरे साथ आई, सरपंच कविता खरकराम जी, वर्तमान सरपंच सुरेंद्र खरकराम जी, फतेहबाद से कोच है हमारी निशा जी, मेरे भाई राजेश जी, और एक मेरा भाई संदीप लांबा दौलतपुर था, और संदीप शर्मा जी गांव सरसोद से ही, जब मैं गुरुधाम कॉलेज में जेबीटी करती थी तो भाई वहां पर मिले थे, और आज तक बड़ा अच्छा आशीर्वाद उनका भी मिलता है। तो आप सबको हाथ जोड़ के राम राम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। गांव खेदड़ में और सरसोद में ज्यादा अंतर नहीं है, मैं गांव खेदड़ की बेटी हूँ तो मैं गांव सरसोद की बेटी भी हूँ, और गांव बिचपड़ी की भी बेटी हूँ। एक बड़ी चैन बन रही थी किसान आंदोलन में जब जाया करते इस सरसोद गांव की, नरेश जी हैं जो लाइब्रेरी में बड़ी अच्छी भूमिका अपनी अदा कर रहे हैं, जिन्होंने इस गांव की बच्चियों को एक सौगात दी है। तो आसपास के क्षेत्र में आपका गांव मिसाल बना, इस मामले में पहला गांव ऐसा बना है जिसने बच्चियों के लिए गांव के अंदर लाइब्रेरी की व्यवस्था की। आपके इस काम के लिए एक बार जोरदार तालियां। भाई जादूगर ने 8 दिन हो गए आपके गांव में प्रोग्राम करते हुए, मुहिम लेके चल रहा है कि नशा भगाओ और देश को बचाओ। आज ये जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले मैं बता देती हूँ आप सबको, भाई जादूगर ने लगभग 800 गांव के अंदर प्रोग्राम किए हैं, और 800 गांव के अंदर प्रोग्राम ये नहीं किए कि आओ डांस करो और लोगों का मनोरंजन करो और पीछे ले यहां से भाग जाओ। 800 गांव के अंदर प्रोग्राम ऐसे किए हैं कि आप नशा ना करो, आप दहेज प्रथा को नकारो, आप भ्रूण हत्या को नकारो, और आपको जो भी बुराई दिखती है आप उसके खिलाफ बोलो, खड़े रहो, अड़े रहो, डटे रहो, ऐसे प्रोग्राम भाई साहब ने किए हैं। इनकी कला बोलती है, प्रत्येक कलाकार का सम्मान कीजिए, लेकिन जब ऐसे ऐसे कलाकार दिखे तो उनका महासम्मान कीजिए, मैं यही कहूंगी। आज आपके गांव में आना हुआ, पहले भी बहुत आई हूं मैं इस गांव की बेटी मान के चलो, मैंने मैं घनी दूर तो नहीं हूं, मैंने पहला भी कहा, सबसे पहली बात है नशा। मैं पीछे बैठी थी, मेरे पीछे जो ताऊ बैठा था बीड़ी लाए बैठा था, आप बीड़ी पियो हो फिर बालका तो न्यू उम्मीद ना करिए, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बढ़ेंगे, आपके बच्चे यदि आप बीड़ी पियोगे तो वो बीड़ी ही पियोंगे। सबसे पहले शुरुआत खुद से कीजिए, यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे रास्ते पर चले तो सबसे पहले उन बुराइयों को खुद त्यागिए, खुद नकारिए। यदि आप ये चाहते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होकर के वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करके कुछ न कुछ अपने पांव पर खड़ा होकर के ऐसा हो कि 4 लोग उसको अच्छा बताए, तो सबसे पहले खुद को उनके सामने प्रेरणा के रूप में पेश कीजिए, तब आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे। यदि नशा भाग जाएगा तो देश की 70% बुराइयां अपने आप मर जाएगी। नशे का कारण दहेज प्रथा जैसी बुराई चल रहे हैं, नशे का कारण घरेलू हिंसा, पता नहीं कितने काके ताऊ इसे बैठे हैं जो सांझ ने दारू पी के हमारी काकी ताइया के ऊपर छो उतार दे होंगे। बहुत सारी हमारी काकी ताई इसी हैं जिन्हें इस दारू के नशे के कारण जिनके घर के बर्तन तक बेच दे हमारे काके ताऊ। सच्चाई है ये, और मैंने तो इस चीज को बड़े नजदीक से देखा है मेरे गांव के अंदर, कैस किस तरीके से औरतें मेरे पास रोती हुई आती हैं, घर में 2 टाइम का चून नहीं है, घर के अंदर बच्चों की फीस देने के लिए पैसे नहीं है, जो पैसे थे दिहाड़ी मजदूरी करके आई थी, बड़का की वर्दी तक के जो पीसे आवे हैं बाबू काट है और उनकी दारू पी जावे हैं। नशे के कारण आज हमारा युवा, जिस युवा को इस देश का भविष्य बनाना चाहिए था, जिस युवा को इस गांव का भविष्य बनाना चाहिए था, आज वो युवा नशे की दलदल में फंसता जा रहा है।
मैं कहती हूँ करो नशा, खेलों का करो, ताकि ब्याण खाप की एक बेटी है, बड़ा प्राउड फील हो वह एकता ब्याण जद वह मेडल लेके आवा है। आपने भी होता होगा और बड़े गर्व है अपनी सोशल मीडिया के ऊपर फोटो लगाते होगे कि एकता ब्याण पैरा ओलंपिक में मेडल जीत के ले आई। आपका गांव ने भी बहुत बार मान सम्मान कराया होगा। तो नशा करना है तो उस एकता ब्याण जैसा करो, खेला में जाओ और मेडल लेके आओ। नशा करना तो उस मंजिल का करो जो निर्धारित कर रखी है। कितने युवा इस पंचायत के अंदर, सुनीता जी बैठी हैं, प्रदीप जी ने इलेक्शन लड़े और यूथ का, मैं तो भाई साहब तो जब बात हो तो भाई साहब बतावे कि सरसों देख पहला ऐसा गांव है जिसमें सरपंच और सरपंचनी बैठ के ने, और उसका ससुरा भी बैठ के ने प्रोग्राम सुना है, देखा है, व्यवस्था बनावा है, कोई अव्यवस्थित काम होता दिखे तो उसने संभाला भी है। तो मास्टर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करा कि इस कार्यक्रम में आपने इतना साथ दिया। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि ऊपर वाला सब ने देखा, सब तेज से उसकी ज्योति, सारे जाना है अपने कर्मा ने, नहीं हुए गंगा का ऊपर भीड़ ना होती। अरे किसका कह गया किसका रह गया, सो बातां की एक बातिया, अरे जात पात भाई कुछ ना होया करती, नीत बता दे आदमी की जातिया, कोई किसी पर खोस के नहीं खाता, सारे अपने कर्मा की खावा है दो टेम की रोटी, और सारे जाना है अपने कर्मा ने, नहीं हुए गंगा का ऊपर भीड़ ना होती। तो सबसे पहले दूसरों के ऊपर कोई भी सवाल उठाने से पहले खुद का मूल्यांकन कीजिए, स्व मूल्यांकन कीजिए कि यदि हम दूसरे के बारे में बुरा बोल रहे हैं, क्या हमारा अंतर्मन ऐसा है कि हमने वो गलती कभी ना की होगी? क्या हमारा अंतर्मन ऐसा है, हमारी नजरें दूसरे के ऊपर कभी इस नजर से ना पड़ी होगी? तो हमेशा जो भी छोटी छोटी बुराई दिखे, मेरी काकी ताई बैठी है, मैं हमेशा क्या करूँ कि कमजोर नहीं मैं, जोर बतेरे, बस एक शर्म तैयारी सू और बहुत से आई बोर नहीं आ जा जिंदगी नारी सू। रजेना बेटी चाहे मानस रोटी पोना सीख लिए, एक नहीं दिन मैं 10 बारी कासन धोना सीख लिए, सांझ सवेरे धरना चाट तू दूध बिलोना सीख लिए, तू एक करे मैं 100 करूं सब क्या है कि एक दारी सू और बहुत सयाई बोर नहीं आ जा जिंदगी नारी सू। फिर न्यू कहते हैं कि तू हमें घर के काम करो, हो दही तोड़न वाले काम तू हम करा कि हम खेत कमावा, अरे मने एक बड़द की बग्गी जोड़ी खेत कमावन जाऊं मैं, घर का सारा काम पड़या रहे फिर जद उल्टी आऊं मैं, तू रोटी खा के सुखते सो जा सारा काम निपटाऊं मैं, तू एक करे मैं 100 करूं सब क्या है कि एक दारी सू और बहुत से आई बोर नहीं आ जा जिंदगी नारी सू। फिर न्यू कह देंगे जे अच्छा कर दे तो बेटा तेरा माड़े में माने बिगाड़ दिया, रजे अच्छा कर दे तो बेटा तेरा माड़े में मेरा नाम हो, अरे जितने मैं कर रही सू दिन में तू कर दे सारे काम। एक दिन माँ की, एक दिन बहन की, एक दिन बेटी की जिंदगी को जी करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि वो एक दिन में कितने काम करती हैं। बहनें बैठी हैं, सुरेश पुनिया जी आए, हम छोटे छोटे उन सुनने लग गए थे, ऐसे ऐसे कलाकारों से हमें कुछ सीख लेने का मौका मिलता है। और वो भाई कह रहे थे कि इन बेटियों से कुछ सीखो, हमने खुद ने कुछ नहीं सीखा, हमारे माँ पापा ने हमें डायरेक्शन दी और उस डायरेक्शन में हम डरते गए, सबसे बड़ी बात हमारे माता पिता ने उनके संस्कारों के ऊपर यकीन किया। मैं बड़े खुले मन से कहती हूँ कि मात्र 18 साल तक आप अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दीजिए और उसके बाद अपने बच्चे पर नहीं अपने संस्कारों पर यकीन कीजिए। जैसे संस्कार आप अपने बच्चों को दोगे वैसे उसके अंदर पड़ जाएंगे। ये नहीं कि बाबू बच्चे की पीठ पीछे कोई बुरा काम करता जा रहा है, किसी तीसरे इंसान के थ्रू बेटे को पता चलता है और फिर बाबू यूं सोचे कि मेरा बेटा बहुत अच्छे काम करेगा, ऐसा कभी नहीं होता। कि खुद के ऊपर राख भरोसा जे दूसरे प्रयास नहीं, रे पीसा गया तो उल्टा आ जाएगा, वह कदे विश्वास नहीं। विश्वास, जब भी कोई बच्चा घर से निकलता है वो पढ़ने के लिए निकलता है, वो खेलने के लिए निकलता है, खास करके मेरी बहनें जब घर से निकलती है तो माँ पापा का विश्वास मुट्ठी में लेके चलिया करो कि बाबू जिस तरीकत आपने भेजी हूँ, माँ जिस तरीकत आपने भेजी हूँ उसे तरीकत घर आऊँगी। कि एक बात कहूँ मैं कान खोल के तू सुनती जाइए लाडो, और बाप अपने की नड़ ने ना नीचे कदे झुकाइए लाडो। एक घर ते बाहर जो जावे तू मेरा काल जा धड़कस है, भीतरला बाहर न आ जा आंख मेरी जद फड़कस है, मेरे एक नहीं कईया का मान तू आश और विश्वास तेरे पे, एक गलत कदम उठाइए मत ना मेरी एक एक सांस तेरे में, और मन भर जा जद बस कर दिए ब्याह के अगले घर टोर देंगे। ए मन भर जा जद बस कर दिए, मन मन की बात बताइए लाडो, और बाप अपने की नाड़ ने ना नीचे कदे झुकाइए लाडो, ना नीचे कदे झुकाइए। तो ये छोटी छोटी बात हमने अपने गैल लेके चालन की है, चाहे कोई भी कुरीति दिखो उसके खिलाफ हमने बोलना चाहिए, एक आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि मेरा सिद्धांत यही है
कि कभी गलत को सहो नहीं और सही को बोले बिना रहो नहीं। गलत को कभी मत चाहिए, खुद को एक आइडियल के रूप में पेश कीजिए, अच्छे कामों की तरफ अपना जो है वो रास्ता बनाइए, और जब भी समाज के अंदर आपको ये बीमारियां ये कुरीतियां दिखती हैं उनके खिलाफ आवाज उठाइए। एक मोटी सी बीमारी है क्रेटा, जैसे मामले हमारे देश के अंदर चल रहे हैं, हमारे देश के अंदर दहेज प्रथा जितनी बढ़ रही है, जितना बड़ा घर होगा उतना ही बड़े दहेज के लिए मुंह पाड़ेंगे वो। लेकिन वहीं ऐसे ऐसे मिसाल हमारे सामने आती है कि 100-100 किलो के जमींदार 1 रुपया लेकर के शादी करता है, तो उस 1 रुपये से सोचिए। कुछ लिखा था मैंने, कदे मेरे 2 पंक्तियां याद आ गई कि 16 किल्या के जमींदार ने जो छोरे के ब्याह की बात चलाई, और छोरी आला बोलिया कि सारी खोल बता दो ना, देखा जाए इसका दुख सहे मरी जाई। छोरे आला बोलिया कि 16 तो मरा में किले लाग रहा, मारा छोरा नौकरी 10वीं में तो 18 खिसे ऐसी थारी छोकरी, टीवी कूलर फ्रिज चाहिए चाहिए हमने, मोटर कार घर के बेड बिस्तरे चाहिए चाहिए, होटल 5 स्टार, और पूरे गांव में रुका पड़ जा कर दियो हिसाब या ब्यो तो ही बताओ ना, कर दियो साफ मना। छोरी आला की करेगा, छोरी आला ने से तो बड़ा घर दिखेगा। पहले एक जमाना था कि माँ जो पिताजी है अपनी बेटी की शादी के लिए कहीं ना कहीं से कर्जा उठाता था, खुद को गिरवी तक रख देता था। गिरवी रखने का मेरा मतलब पैसे उठाए हैं तो किसी न किसी के सिर ही लड़ जाया करता, बहुत सारे परिवार इसे बैठे भी होंगे। छोरी आला बोलिया कि सारी मांग करूंगा पूरी दूंगा, किला बेच और बिकना पड़ जो चाहे मन ने भी दूंगा तुमने कुर्सी में। फिर एक अंगड़ाई लेवा है, पढ़ाई का क्या फायदा है, लड़कियों को शिक्षित करने का फायदा क्या है, कि सारी बात सुने थी छोरी गई बीच में बोल, और कोन्या मने यू रिश्ता मंजूर दिया नहीं उसने अपना मुंह खोल। इब एक अपील आप सब ते हाथ जोड़ के कहूं कि लाग रहे हो चाहे कोई नौकरी चाहे कितने किले आते हो और चाहे कर रहे हो भी, ये मेरे भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूं हूं, ना तो अपने ब्याह में दहेज दिए और ना ही दहेज लिए, ना ही दहेज लिए। तो इन बीमारियों के खिलाफ बोलिए, एक आवाज उठाइए और कहिए जब कोई दहेज मांगे कि 20 साल की करके ना मैं तेरे हाथ में सौंप दी, और तू चाहो मैं गड्डी ले आऊं तने मुश्किल बड्डी रोप दी, ठाके कर्जा मेरा बाबू ने मेरा वाणा करया था, एक एक पीसा जोड़ के ने जत्री ब्रात का खाना करया था, तू चाहो मैं गाड़ी ले आऊं। मेरे घर कने नजर ना करिए, मेरा बाबू मेरे ब्याले कर्जे में दबिया पड़ा है, मैं तेरी गैल कमा लूंगी, दोबारा उस कने मुंह ना करिए, दोबारा उस कने मुंह ना करिए। इनके खिलाफ बोलिए। अंत में छोटी छोटी गलतियां पर जो आप अपनी बेटियों के अपनी बहनों के पर को बांध देते हैं, और बेटा जब घर में आ जावे तो नहीं सोचो कि बेटा तो बहू ले आया, जब वो लव मैरिज करके घर के बाहर आवे है और बेटी ने सोचो कि वो भाग के चली गई, फिर गांव में कुंबा में किसी के ओके बंद हुए हैं, किसी की पगड़ी पैरा में धरी जावे है, पगड़ी ना उछड़े, बस खुद के बेटिया ने इतने संस्कार दे दिया करो कि मैं निडर होके चलूंगी, जो थोड़ी सी समझदारी और मैं पढ़ भी जाऊं बढ़ भी जाऊं, जे बेटे संस्कारी हो। जिस गली ते मेरा आना जाना परमानेंट है, एक नहीं मेरे ऊपर आवे बहुत घने कमेंट्स है कि उन कमेंटा में भी यह गलती मारी हो और मैं पढ़ भी जाऊं जे बेटे संस्कारी हो। जैसे संस्कार अपने बच्चों को देते हो, अपनी बेटियों को देते हो, वैसे संस्कार अपने बेटों को दो। और पूरे गांव राम का बहुत बहुत धन्यवाद करूं, आप सब ने इतना आशीर्वाद और इतना प्यार दिया। हमेशा एक प्रण दिया करो कि मैं कोशिश करूंगा, जो भगवान ने मेरे तक यो जीवन दिया है बहुत सारी योनियां भुगतने के बाद, इस जीवन में मैं जानबूझ के किसी का गलत ना करूं, अनजाने में जो गलती हुआ उसने ऊपर वाला भी माफ कर दिया करा, इतना प्रयास करया करो कि मैं जानबूझ के किसी का गलत ना करूं। अंत में बस इतना ही कहूंगी, कविता सरपंच बैठी अपने बीच में, वो आपने सुनाओगी, मैं बार बार आपके गांव में आती रहूं, कि आपने जो ये मौका दिया करा मेरे पर उपकार, सलाम करो शुक्रिया करो, करो आपसे नमस्कार। जोरदार क्लैपिंग कर दो, देखो सुनने वाले तो देखो सुनते अच्छी चीज को, और वैसे आवा अन्नो